नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या आपके मन में चल रहा होगा थंबनेल देख करके, क्या है आज ये। तो देखिए, मेरे सामने भी बहुत सारे सवाल आपके सामने भी हैं और मेरे सामने भी हैं कि क्या है निपा वायरस, चर्चा में क्यों है, क्या देश एक बार फिर एक महामारी की तरफ जा रहा है या जा सकता है, और मृत्यु दर क्या है। क्या दोस्तों, कोविड-19 के उभरने के बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बाद फिर भारत पर एक वायरस ने हमला बोला है, और वह वायरस है निपा वायरस, जो कोविड-19 से भी ज़्यादा असरदार और ज़्यादा ही नुकसानदेह है व्यक्तियों पर। तो क्या हो सकता है वायरस, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, और क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल कर आएंगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपके सबके दिमाग में चल रहा होगा, क्या है निपा वायरस। पहला सवाल यह है कि क्या है निपा वायरस, फिर यह चर्चा में क्यों है, ठीक है। फिर आपका ये कि क्या देश एक बार फिर एक महामारी के तरफ जा सकता है, और क्या हो सकता है इस पर मृत्यु दर का प्रभाव, ठीक है। तो ये इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो हम पहले समझते हैं कि निपा वायरस क्या है, ठीक है। यह है एक वायरस है, ठीक है। क्या है यह एक वायरस है जिसका पहला मामला जो है मलेशिया में, यह एक वायरस है जिसका पहला एक मामला मलेशिया में 1999 में, पहला मामला मलेशिया में 1999 में सुअर पालकों के बीच में देखा गया था। जब सुअर पालकों के, एक जानवर होता है सुअर, उनके पालने वालों के बीच में जब भी फैला था, तो पहला मामला जो है इसका, इस वायरस का, मलेशिया में 1999 में देखा गया था, ठीक है। इसमें जो होता है वो क्या होता है, इसमें जूनोटिक वायरस होता है। क्या होता है इसमें, जूनोटिक वायरस होता है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, यानी कि पहले जानवरों में होता है, उसके बाद में कहाँ होता है, इंसानों में होता है, और दूषित भोजन से भी हो सकता है या फिर सीधे लोगों से भी हो सकता है। तो ये फैल कैसे सकता है, कैसा होता है, तो जानवरों से इंसानों में होता है, दूषित भोजन से, और सीधे लोगों के स्पर्श आने में भी ये हो सकता है। अब ये बात तो आ गई आपके कि समझ में आ चुकी है कि क्या है निपा वायरस, अब चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में देखिए ये इसलिए है कि केरल, क्या है भैया, केरल चर्चा में इसलिए है ये कि केरल का एक जगह है कोझीकोंड, केरल का एक जगह है कोझीकोंड में, वहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं देश में, केरल में बहुत तेजी से कोझीकोंड में मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने चेतावनी दी है। सरकार ने क्या करी है, चेतावनी दी है, किसको, मामले को लेकर, निपा वायरस को लेकर। सरकार ने वहां तेजी से मामले बढ़ते हुए दर को देखकर, और उन्होंने क्या करी है कि बहुत तेजी की है कि क्या रोकथाम कैसे की जाएगी इसकी। अब बात आती है कि रोकथाम कैसे करें, तो सरकार के पास अभी कोई इसका कोई उपलब्ध टीका नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, ये चेतावनी बढ़ती है, जो भी संक्रमित है उसकी गहन देखभाल करें, उसकी क्या करें, गहन देखभाल करें। अगर और बात करें तो उत्तरदायी जीव क्या हो सकता है, तो पैरामाइलोक्लोसिस बेरिडे, पैरामाइलोक्लोसिस बैरिडे तथा हैनिया वैक्सीन, हैनिया वायरस जो होता है उसका आरएनए, इस चीज़ के लिए बड़ा उत्तरदायी हो सकता है, इस चीज़ के लिए बड़ा उत्तरदायी हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारे चर्चा में इसलिए है। अब क्या है, क्या देश एक बार फिर एक महामारी की तरफ बढ़ रहा है या जा सकता है, बिल्कुल। अगर हम लोग इस चीज़ की देखभाल नहीं करें, कोविड-19 को देख लीजिए, कोविड-19 को पहले जो आया था कि पहले पहली बार में जो देखा गया था, उसका पहला स्टेप स्टेज जो देखा गया था, उसमें क्या था, लोगों को निर्देश दिया गया परंतु पालन नहीं किया, और पालन नहीं किया तो इसका मतलब ये था कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जो है उसका शिकार बनी, और पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से, परंतु ऐसा हुआ, हमारी स्वास्थ्य एजेंसियों ने उन पर कवर किया। तो यदि जो चेतावनी सरकार की तरफ दी जाती है, अगर हम उनको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं, उनको मतलब मानते नहीं हैं, तो ये एक महामारी की तरफ जा सकता है, ये महामारी की तरफ जा सकता है, क्लियर। अब बात आती है लक्षण क्या है इसके, तो बुखार इसका लक्षण है, सिर दर्द इसका लक्षण है, उनीदापन, उनीदापन मतलब भटकाव, उनीदापन ऊंघना जो होता है इसका होता है, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, ये सब इसके लक्षण हैं, ठीक है दोस्तों, ये सब इसके लक्षण हैं। अब बात आती है कि मृत्यु दर क्या होगी। भैया, अगर इसके जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी संक्रमित हैं, उनके मामलों में 40 से 75% मृत्यु दर का अनुमानित है, यानी कि जितने लोग भी इससे पीड़ित हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं, उनका 40 से 75% मृत्यु के चांस होते हैं, समझ गए नहीं, अगर उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं की गई तो, क्लियर।
तो अब हम आपको की पॉइंट लिख देते हैं जिन की पॉइंट पर हमने बात करी है, उन्हीं की पॉइंट की हम बात कर देते हैं। सारी डिटेल हमने जान ली है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं हाल ही में केरल के, कहाँ पर, केरल के एक जगह का नाम है कोझीकोड, क्या है, कोझीकोड, ठीक है, में मामले जो हैं मामले तेज़ी से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से मामले देखे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को देखते हुए केरल सरकार ने क्या करी है, चेतावनी दी है, केरल सरकार ने दी है चेतावनी, ठीक है भैया। पहला मामला कहाँ पर आया था, अगर देखें तो पहला मामला जो आया वो कहाँ पर आया, मलेशिया में आया। कहाँ पर आया, मलेशिया में आया, और कब आया बेटा, 1999 में आया। और किस्मा आया, जो सुअर पालकों के बीच फैला, ठीक है भैया, के बीच सबसे पहले फैला ये, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक वायरस होता है जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जूनोटिक वायरस, नाम रखना जरूरी याद है, जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसमें पाया जाता है, तो कहाँ होता है, जानवरों से इंसानों में पाया जाता है, ठीक है भैया। दूषित भोजन से, ठीक है, या लोगों के संपर्क से आने में भी ये फैल जाता है, क्लियर। अगर बात करें रोकथाम की, तो कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ये बात याद रखनी है, कोई टीका भी जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है भैया। बस कैसे कर सकते हैं, संक्रमण की गहन देखभाल से इसे कर सकते हैं, ठीक है भाई, गहन देखभाल से हम इसको कर सकते हैं। लक्षण क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करें लक्षण की, तो बुखार इसका लक्षण हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, यानी कि सिर दर्द, ठीक है, कोमा ये भी इसका लक्षण हो सकता है, मानसिक भ्रम भी इसका लक्षण हो सकता है, ठीक है, भटकाव भी इसका भ्रम हो सकता है, जो है लक्षण। मृत्यु दर की अगर बात करें, मृत्यु यहाँ पर, तो 40% से 75% तक मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं इसमें, 40 से 75% मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। उत्तरदायित्व की अगर बात करें, तो किसोबेरीडे ये जो है उत्तरदायी है, समझ गए नहीं। और इसका आरएनए, और आरएनए किसका होना चाहिए, हैनिया वायरस का वंश का ये होना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन सा क्या होता है। तो दोस्तों आपको यही एक जानकारी देनी थी, तो थोड़ा ध्यान रखो अपना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है, मगर उससे पहले एग्ज़ाम देने लायक तो ये बचोगे, जब पहले इससे बचोगे तो अपनी देखभाल करो, थोड़ा सा ये रखो कि कहीं भी बाहर जाओ तो अपना देखभाल तरीके से करके जब जाओ। हमें बताना था निपा वायरस बहुत चर्चा में चल रहा है इस टाइम, इसकी जानकारी आप तक पहुँचाना हमारा काम था, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।